बड़ा हादसा, ट्रक व बस की टक्कर में दो दर्जन घायल। औरैया, बेटी की शादी करने के लिए कानपुर से आगरा जा रहे रिश्तेदारों से भरी बस कंटेनर से टकराए, 21 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को पुलिस की मदद से CHC अजीतमल भिजवाया गया, जहां 10 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए कानपुर के लिए डॉक्टरों ने किया रेफर। औरैया जिले के नेशनल हाईवे के भीखेपुर के पास की घटना। पुलिस के अधिकारी घटना की जानकारी मिलते ही पहुंचे घटना स्थल पर। कानपुर से जा कहां रहे थे? आगरा। तो यहां आपकी बस खड़ी थी क्या? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आ जा। क्या नाम क्या है आपका? जानवी सिंह। आपका बहन जी? जानवी सिंह। ये इटावा कानपुर के बीच में भीखेपुर पड़ता है, वहाँ से एक पवन सिंह वर्मा जो कि सुनार है, क्योंकि चकेरी के रहने वाले हैं, कानपुर से अपनी बेटी की शादी करने सब लोग आगरा जा रहे थे। बस में 35 लोग थे, इनका जो लोग घायल नहीं है उनमें से जब पूछताछ की गई उन्होंने बताया कि जो बुंदेलखंड के रास्ते इनको आगरा की तरफ निकलना था, लेकिन ड्राइवर जो है कट मिस कर गया तो वो उल्टा चलने लगा, तो ये उल्टा आ रहा था और एक ट्रेलर है जो कि जिसमें कई कल्टीवेटर लदे थे वो इटावा की तरफ से कानपुर की तरफ जा रहा था, तो ये उल्टा आते समय ट्रेलर ने ब्रेक लगाया, लेकिन जो बस है वो एक कोने से जो है इसके चपेट में आ गई। काफ़ी लंबी दूरी तक ये बस घिसड़ते हुए गई है। तत्काल सूचना पे पुलिस ने सभी जो रेस्क्यू टीम से हमको बुला लिया, एम्बुलेंसेस भी आ गई। मौके से लगभग 21 लोग घायल हैं, अभी सबका प्राथमिक उपचार हो रहा है। 10 लोग अभी तक रेफर किए जा चुके हैं, क्योंकि ये लोग कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर को भी अग्रिम सूचना कर दी है, दूसरे लोगों को हैलट रेफर किया जा रहा है, वहाँ पर भी तैयारी रखी जाएगी। अभी तक फिलहाल कोई कैजुअलिटी नहीं है और उतना घायल कोई नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन जो चोटें हैं वो गंभीर प्रतीत हो रही है, तो प्राथमिक उपचार के बाद उनको शीघ्र से शीघ्र हम हायर सेंटर पहुँचाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। मौके पे कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।